स्वच्छ भारत योजना देंगे आपको। हिंदुस्तान की सफाई करनी है, देश बहुत गंदा है, आप लोग झाड़ू उठाइए और देश को साफ कीजिए। और पूरा का पूरा देश का पैसा नरेंद्र मोदी 15-20 उद्योगपतियों को देगा। और मैं जो बोलता हूं, मैं आंकड़े देके बोलता हूं, तो मैं आपको 2-3 आंकड़े देना चाहता हूं। पिछले 4.5 साल में बीजेपी की सरकार ने किसान का 1 रुपया कर्जा माफ नहीं किया है, नहीं किया ना। यहां पे कोई ऐसा किसान तो नहीं है जिसका नरेंद्र मोदी जी ने कर्जा माफ किया हो? एक नहीं है ना। ठीक है, अब आप मजे की बात सुनिए। पिछले 4.5 साल में नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के सबसे अमीर 15-20 उद्योगपतियों का 3.5 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया है। मतलब यूपीए की सरकार ने 35,000 करोड़ रुपए में मनरेगा चलाया था, देश के सब गरीबों को 100 दिन का रोजगार दिया, उससे 10 गुना ज्यादा पैसा नरेंद्र मोदी जी ने 4.5 साल में 15-20 लोगों को दिया है। और जब किसान हाथ जोड़ के कहता है प्रधानमंत्री जी, चीफ मिनिस्टर जी, आपने इन 15-20 लोगों का 3.5 लाख करोड़ रुपया माफ किया है, आप हमारा थोड़ा सा माफ कर दीजिए, 3.5 लाख मत कीजिए, 50,000 करोड़ माफ कर दीजिए, नरेंद्र मोदी जी, अरुण जेटली जी, वसुंधरा जी कहती है नहीं भैया, आपका तो हम नहीं करने वाले, आप कौन हो, आप क्या करते हो, आपके पास ना हवाई जहाज है, आपके ना पास ना मर्सिडीज है, आपके पास ना BMW है, आपको पैसे की क्या जरूरत, पैसे तो सिर्फ उन 15-20 लोगों की जरूरत है, पैसा तो सिर्फ वो इस्तेमाल करते हैं, आप लोगों को पैसे की क्या जरूरत है, आप लोग काम करो, बच्चों को स्कूल भेजना है, जेब में से 15 लाख रुपए निकालो, कॉलेज भेजना है, इंजीनियर बनाना है बच्चों को, 15 लाख रुपए निकालो। डायबिटीज है, कैंसर हो गया, दिल का दौरा पड़ा, चलो जाओ प्राइवेट अस्पताल में जाओ, MRI कराना है, 50,000 रुपए निकालो, ऑपरेशन करना है, चलो प्राइवेट बंदे को 1 लाख रुपए दो, 2 लाख रुपए दो, 5 लाख रुपए दो। 2 हिंदुस्तान बना दिए, 1 हिंदुस्तान सबसे अमीर लोगों का, वो हिंदुस्तान ऊपर देखो आसमान में उड़ता है प्राइवेट हवाई जहाज में, उनका आपसे कोई लेना देना नहीं। 9,000 करोड़ रुपए विजय माल्या ले जाता है, लंदन चला जाता है, जाने से पहले अरुण जेटली से मिलता है, मीटिंग होती है, अरुण जेटली जी खुल के कहते हैं हां, जाने से पहले 9,000 करोड़ रुपए चोरी करने वाला व्यक्ति मुझसे मिला और गया और उसने मुझे बताया कि मैं लंदन जा रहा हूं। अच्छा, आप फाइनेंस मिनिस्टर हैं, आपके पास CBI है, आपके पास इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, आपके पास पुलिस वालों का फोन नंबर है, आपने पुलिस वालों को नहीं बताया कि ये जा रहा है चोर? किसका पैसा था? नरेंद्र मोदी का नहीं था, राजस्थान के किसानों का था, राजस्थान के युवाओं का था। नोटबंदी याद है या भूल गए? भूल गए भैया, आपको लाइन में खड़ा किया था, आपके जेब में से पैसा निकाला, चलो
सब लाइन में खड़े हो जाओ, काले धन के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। अब हंसी आ रही है, उस टाइम हंस नहीं रहे थे आप, उस टाइम लाइन में खड़े थे, चलो काले धन के खिलाफ लड़ते हैं। मोदी जी ने भाषण दिया, लाइन में आपने एक सूट बूट वाला देखा? एक खड़ा था क्या लाइन में? अनिल अंबानी खड़ा था क्या? क्या लाइन में मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, ललित मोदी, विजय माल्या खड़े थे क्या? नहीं। आपके जेब में से पैसा निकाला, हमारी माताओं और बहनों के जेब में से पैसा निकाला, उनके घर में से पैसा छीना, आपने अपना पैसा बैंक में डाला और सीधा आपके पैसा, आपका पैसा बैंक में से नीरव मोदी के जेब में गया। और किसने डलवाया? नरेंद्र मोदी जी ने। चौकीदार ने पहले कहा था, भाइयों और बहनों प्रधानमंत्री मत बनाना, मैं प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता, मैं तो देश का चौकीदार बनना चाहता हूं। वाह। अब सुनिए, आपने राफेल हवाई जहाज का नाम सुना है? एयरफोर्स ने लड़ाकू विमान खरीदने थे, यूपीए सरकार ने 126 हवाई जहाज का कॉन्ट्रैक्ट हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड को दिया, पब्लिक सेक्टर की कंपनी है, 70 साल से हवाई जहाज बना रही है, 526 करोड़ रुपए का एक हवाई जहाज, टोटल 126 हवाई जहाज। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं, फ्रांस जाते हैं, उनके साथ फ्रांस कौन जाता है? अनिल अंबानी जाता है, डेलीगेशन में अनिल अंबानी बैठा है उनके साथ। जादू से सरकारी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट छीन लिया जाता है, अनिल अंबानी को मिल जाता है। जिंदगी में अनिल अंबानी ने हवाई जहाज नहीं बनाया, एचएएल 70 साल से बना रही है। कॉन्ट्रैक्ट के मिलने से 10 दिन पहले अनिल अंबानी अपनी नई कंपनी खोलता है, उसको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। 45,000 करोड़ रुपए का कर्जा अनिल अंबानी पर है। किसका पैसा? आपका पैसा। किससे लिया? सरकारी बैंक से लिया। 45,000 करोड़ रुपए का कर्ज है, उसको नरेंद्र मोदी जी ने राफेल हवाई जहाज लड़ाकू विमान का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। मजे की बात बताता हूं, जो हवाई जहाज यूपीए ने 526 करोड़ रुपए में खरीदा, उसी हवाई जहाज को नरेंद्र मोदी जी ने 1600 करोड़ रुपए में खरीदा। भाइयों और बहनों, 30,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान की वायुसेना का पैसा नरेंद्र मोदी जी ने सीधा अनिल अंबानी की जेब में डाला। फ्रांस का राष्ट्रपति कहता है कि हमने अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया, डसॉल्ट कंपनी ने अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया, नरेंद्र मोदी जी ने फ्रांस के राष्ट्रपति को कहा कि अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट मिलना है, सौदा करना है तो पहले इसको दो। मेरे शब्द नहीं, होलैंड फ्रांस का एक राष्ट्रपति, उसके शब्द। तो वायदे आपसे, भाषण आपको, मन की बात आपको, मगर पैसा अनिल अंबानी, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, ललित मोदी और वही 15-20 उद्योगपतियों। आपसे कहा था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा, मिल गया? कोई यहां युवा है जिसको रोजगार मिला? अब देखिए, नरेंद्र मोदी जी आए, आपने भाषण सुना होगा, उन्होंने आपको रोजगार देने की बात की,
ना। उन्होंने आपको 15 लाख रुपए देने की बात की? ना। उन्होंने किसान को सही दाम देने की बात की? ना। भ्रष्टाचार की बात की? ना। अब नहीं बोलेंगे, अब नया मुद्दा उठाएंगे, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। क्या हुआ इनका? कहां गया मेक इन इंडिया? गायब हो गया आसमान में। आप अपना फोन देखो, पीछे मेड इन चाइना, जूते के नीचे देखो मेड इन चाइना, कैमरा के पीछे देखो मेड इन चाइना, शर्ट के पीछे देखो मेड इन चाइना। कहां गया मेड इन इंडिया? कहां गई फैक्ट्रियां? कहां गए उद्योग? नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान तो आपका हो रहा है, नुकसान तो किसान का हो रहा है, मजदूर का हो रहा है, छोटे दुकानदार का हो रहा है, युवाओं का हो रहा है। उनका नुकसान थोड़ी हो रहा है? 15-20 उद्योगपतियों का कहां नुकसान हो रहा है, उनका तो फायदा हो रहा है। ललित मोदी का आपके चीफ मिनिस्टर के पुत्र के साथ बिजनेस था, 10 करोड़ रुपए दिए। मोदी जी खड़े हो जाते हैं, कहते भैया मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूं चीफ मिनिस्टर के साथ। अरे भाई भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हो तो ये आपके साथ कैसे खड़ी हुई है? पहले इनको परे कीजिए ना, ललित मोदी को वापस लाइए, विजय माल्या को वापस लाइए। तो हमारा पूरा का पूरा लक्ष्य राजस्थान में सरकार बनेगी तो दो काम, 24 घंटे हमारा चीफ मिनिस्टर युवाओं को रोजगार देने में लगा देगा। मैं आपको यह नहीं कहूंगा, मैं झूठे वायदे नहीं करता, मैं आपको यह नहीं कहूंगा कि 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार दो, मैं नहीं कहूंगा। मैं आपको यह भी नहीं कहूंगा कि हर बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए डाल देंगे, मगर मैं आपको यह कहूंगा कि हमारा चीफ मिनिस्टर 24 घंटे में से 18 घंटे राजस्थान को, युवाओं को और किसानों की मदद करने में लगा देगा। और किसान को, छोटे दुकानदार, युवाओं को लगेगा कि हां भैया हमारी सरकार है राजस्थान में, हमारा चीफ मिनिस्टर है, हमारे लिए काम कर रहा है। तो हमारा काम जो आपकी शक्ति है, हिंदुस्तान की जो शक्ति है, जो हमारे किसान हैं, जो छोटे दुकानदार हैं, हमारा काम उस शक्ति को बढ़ाने का है। छोटे दुकानदार से आप जाके पूछो, आप जाओगे चाय पियोगे उनसे आप पूछ लो, जब आप चाय पीने जाओगे आज शाम को, आप उनसे पूछना भैया एक बात बताओ, नरेंद्र मोदी जी ने आपके लिए क्या किया? नोटबंदी, गब्बर सिंह टैक्स? क्या गब्बर सिंह टैक्स से आपका फायदा हुआ या नुकसान? क्या नोटबंदी से आपका फायदा हुआ नुकसान? और आपका जो पैसा था आपके जेब में से, क्या वो सबसे बड़े उद्योगपतियों के जेब में गया, हां या ना? आप जाके पूछ लेना, बता देंगे आपको। तो पूरा का पूरा फायदा इन 15-20 लोगों को। हम चाहते हैं कि सरकार का पैसा, आपका पैसा आपके जेब में जाए, किसानों के जेब में जाए। स्वास्थ्य की बात हो, शिक्षा की बात हो, तो कम से कम पैसे में आपको मिले। मुफ्त में यहां आपको पहले दवाई मिलती थी। सरकार वैसी होनी चाहिए कि कमजोर लोगों को, गरीब लोगों को लगे हां हमें मदद हो रही है। ऐसी सरकार हम राजस्थान में चलाना चाहते हैं। उनके भाषण होते हैं, आपको मन की बात बताते हैं। हर 10-15 दिन प्रधानमंत्री जी की मन की बात। हम आपको अपनी मन की बात नहीं बताना चाहते, हम आपकी मन की बात सुनना चाहते हैं, हम आपकी मन की बात समझना चाहते हैं, हम किसान की मन की बात सुनना चाहते हैं, छोटे दुकानदार की मन की बात सुनना चाहते हैं, युवाओं की मन की बात सुनना चाहते हैं।
आप बताओ आप क्या चाहते हो, हमें बताओ, हम करके दिखाते हैं आपको। तो ये फर्क है, वो आपको अपनी मन की बात बताते हैं, हम आपके पास आगे पूछते हैं भैया बताओ क्या चाहिए, क्या कर सकते हैं हम आपके लिए। किसान आए हमारे पास, 70,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ कर दिया, ले। इस तरह की खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए। धन्यवाद।